एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं अहम खबर शहर हैदराबाद। बेगम बाजार के तुलसी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक श्री जीवन लाल भाटी ने हर साल की तरह इस साल भी हर रोज 3000 से 5000 लोगों में गणेश त्यौहार के मौके पर प्रसाद तकसीम करते हैं। श्री जीवन लाल ने 8 साल से यह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर हाउस लाइन में एक वक्त हमने पानी लगाया था, लेकिन पब्लिक को देखते हुए प्रसाद का भी हमने आयोजन किया है, जो 8 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, खाली गणेश भगवान की और श्रद्धा के हिसाब से पब्लिक की सेवा करने के लिए। नहीं, यहीं पर, यही दुकान पे 5 दिन तक, 8 साल हो गया। क्या-क्या बांटते हैं प्रसाद में, क्या-क्या देते हैं? फुलारिया है, चावल है, और आज एकादशी के हिसाब से साबूदाना है, कल चना रहेगा। खाना होना नहीं यहाँ पर, खाना क्या करते, थोड़ा लेते, टेस्ट नहीं रहे तो फेंक देते। प्रसाद क्या है, हर कोई टेस्ट लगा तो कंटिन्यू लेके जाता, पानी भी साथ में रहता, बोल के आराम से ठहर के खा लेते। ऐसा आपके पास कितने लोग खाते हैं सर? देखिए साहब, के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने लोग? स्टार्टिंग पॉइंट में रोज 1 टन बनता है, लास्ट में हमारे पास 2.5 से 2 टन बनता है चावल बनता हुआ। मगर आप जो दुआ लेते हैं लोगों की, जो प्रसाद देखिए, तो वो कितने लोग जो सो आपके पास से ले जाते हैं, उसके बारे में कुछ अंदाजा है? अंदाजा तो 2000-5000 पानी के गिलास के हिसाब से लगाए तो पर हेड 2 भी लगाए तो 2000 के ऊपर जाता है। मेरे पास 3500-4000 गिलास पानी का जाता है, वो हिसाब से प्रसाद कैलकुलेशन वाला भी। अब दुआ है, ऊपर वाला मेहरबानी करे तो उनकी दुआ काबुल होती, इनकी कितनी दुआ मेरे को और क्या लगेगी। बस प्रभु इच्छा है, हमारे दादाजी की इच्छा है, वो काम मैं कर रहा हूँ।